सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे दिखने वाले एकदम शानदार यूआई डिजाइन के साथ कुछ MIUI के थीम्स लाए हूं। तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा बोनस थीम मिलने वाला है जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ ही लाइव वॉलपेपर मिलने वाला है और वो भी आपके कंट्रोल में होगा। तो ये जो थीम है वीडियो में कहीं भी आ सकता है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और ये जो सारे थीम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब डायनेमिक है, यानी कि लाइट और डार्क थीम के मुताबिक इनमें आपको बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेगी। और ये जो थीम्स है मैं इनका नाम नहीं लेने वाला हूँ, आपको इस वीडियो में इनका नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट वाला थीम है यहाँ पे आपको पर्पल एजेसेंट कलर मिलने वाला है और जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पे आपको गूगल का जो प्रोडक्ट सांस वाला फॉन्ट है उसमें टाइम लिखी हुई देखने को मिल जाएगी। तो इसे अप्लाई करने के बाद आपके होम स्क्रीन में जो आइकन है, मैं डॉक आइकन स्क्रीन बात नहीं कर रहा हूँ, जो होम स्क्रीन में आइकन आपको मिलते हैं वो भी बहुत ही पास पास आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको कुछ आइकन में पर्पल कलर देखने को मिलेगी। और स्टेटस बार में क्विक सेटिंग्स में सेटिंग्स में इवन जैसे कि फोन ऐप में भी आपको बहुत सी चेंजेस इसे अप्लाई करने के बाद देखने को मिलेगी। होम स्क्रीन में इसके साथ जो फॉन्ट भी यूज किया गया है वो भी काफी सही दिखता है। और ये जो थीम है ये लाइट और डार्क मोड के मुताबिक इसमें आपको बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसमें जो सेकंड थीम है वो आपके फोन को थोड़ी बहुत iOS 14 वाला लुक देने वाला है। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार एंड क्विक सेटिंग्स इन सभी जगहों पे बहुत ही मिनिमल सा या कहते लाइट सा iOS वाला थीम देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको बिल्ट इन आइकन ब्रेक भी मिल जाता है जिसमें भले ही कम हो बट आपको कुछ आइकन उसमें मिल जाता है। तो इसलिए इसमें जो थर्ड थीम है वो आपके फोन को काफी मिनिमल लुक देने वाला है। और इसे अप्लाई करने के बाद आपके फोन में जो एप्लीकेशन के आइकन होते हैं उनमें आपको पूरा का पूरा चेंज देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो आपका जो वॉलपेपर है वो भी चेंज होने वाला है। और यहाँ पे क्लिक करके आप स्टॉगल को भी क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लॉक स्क्रीन वगैरह आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो इस लिस्ट में जो फोर्थ थीम है वो आपके फोन को स्टॉक एंड्रॉइड या कहे तो पिक्सल टाइप की एक्सपीरियंस देने वाली है। यहाँ तक की जो डायलर है वहाँ पे भी पिक्सल वाला एक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में भी गूगल का प्रोडक्ट सांस वाला फोन मिल जाता है, पिक्सल या फिर स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप होम स्क्रीन पे डबल टैप करते हैं तो जो वॉलपेपर वो अभी चेंज हो जाता है। तो अभी नंबर 5 में जो थीम है वहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में बहुत सी विजेट्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि व्हाट्सएप का हो गया, गैलरी का हो गया, फोन ऐप का हो गया, इन सभी का जो विजेट है आपको लॉक स्क्रीन में भी साइड में देखने को मिल जाएगी जिससे कि आप क्विकली उन सभी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन में जो क्लॉक का विजेट है उधर भी काफी अच्छा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और आप जो दोनों साइड से बैक करके स्वाइप गेस्टर्स यूज करते हैं वहाँ पे भी आपको कलर्स में चेंज देखने को मिल जाएगी। अगर आप अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस स्पेशल थीम के लिए तो इसका नाम है सिंपल डुअल। तो ये जो थीम है आपको यहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पे टर्मिनेट का जो विजेट है या फिर एनिमेशन से वो आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएगी। और तो ये मटेरियल थीम में आता है जो कि आपके फोन को बहुत ही मिनिमल सा लुक देने वाला है। तो स्क्रीन में आप डबल टैप करके जो एनिमेशन है जैसे कि पार्टिकल्स या फिर बबल्स जो ऊपर उठ रहे हैं उन्हें भी आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।